बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस कर दी हैं लेक्चरर्स की। एड एक दो दिन हो गए हुए हैं और मुख्तलफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर इस हवाले से हमें गाइड किया जाए। व्यूअर्स, मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में पढ़ा रहा हूँ, तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं, बहुत सारे जो मेरे से पुराने पढ़े हुए हैं, 2012 में मेरी लेक्चरशिप की सिलेक्शन हुई। मैंने उस 2012 का जो एग्ज़ाम था, उस बैच का जो रिटन एग्ज़ाम था हुआ लेक्चरशिप का, वो टॉप किया। उसमें रिटन एग्ज़ाम में टॉप किया। फिर जब फाइनल मेरिट बना तो उसमें भी मेरिट नंबर 1 था। 10 सीट्स थी सिर्फ। और एक और बात के 2012 तक जो रिटन एग्ज़ाम्स थे उनका रिज़ल्ट ऐसे ही मेरिट वाइज आता था। उसके बाद जो 15 और 17 की सिलेक्शन हुई है, हायरिंग हुई है, उसमें जो है वो रिटन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो उस तरह से मेरिट वाइज नहीं दिया गया। 2012 तक ये मेरिट वाइज आता रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर ये पूछ रहे हैं कि सर वो कैसे जो है वो आपने टॉप किया, किस तरह से तैयारी करें, हमें को टिप्स दें। और फिर 2017 के बैच में मेरी डायरेक्ट 18 की सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें मेरा जो है वो फाइनल मेरिट जो बना आफ्टर इंटरव्यू, वो मेरिट नंबर 2 था। 9 सीट्स थी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरे पंजाब में। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो मेरे बड़े पुराने हैं, 2004 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाया है और 2012 में गवर्नमेंट जॉब हुई है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे अब मास्टर्स कर चुके हुए हैं, वो भी इस दफ़ा पेपर्स देना चाह रहे हैं और अपीयर होना चाह रहे हैं लेक्चरशिप के लिए। तो वो बार बार ये क्वेरीज आ रही हैं, मुझे कहा जा रहा है कि इस हवाले से कोई वीडियो बनाएं और हमें गाइड करें। बात असल में डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर 2012 में मेरी सिलेक्शन हुई, रिटन एग्ज़ाम्स में मैंने टॉप किया, तो उसमें जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि 2004 से 12 तक मैंने कुछ 7-8 साल पढ़ाया, इंटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया, बीकॉम के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया और मास्टर्स के सब्जेक्ट्स को भी। इस तरह की जो सिचुएशन थी उसमें इतने सब्जेक्ट्स, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। 2012 में मैं जब रिटन एग्ज़ाम्स के लिए गया था तो ये जो प्रेपरेशन का आप लोग आजकल सिलसिला को कर रहे होंगे कि जी किताबें निकाली हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो कि पढ़ा नहीं रहे, तो कोई ऐसी किताब नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा और जाके पढ़ा जो है वो पेपर दे दिया। तो बात असल में ये है कि वो ये नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं की, 8 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तैयारी तो हो रही थी। अब आप लोगों के लिए ये मैंने थोड़ा सा अपने हवाले से बताया कि आपको ज़रा समझ आए ये जो मामला है वो, कैसे आप पास कैसे कर सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में अच्छे नंबर आएंगे तो आपके चांसेस हैं इंटरव्यू में फिर आगे सेलेक्ट होने के। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, अब आप लोगों की 29-30 सीटें समझ लें हैं जो मेल की हैं, 15 सीट्स जो हैं वो फीमेल की हैं, तो इसका मतलब 5 लोगों को वो एक सीट के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेल साइड पे हम देखें तो टॉप 150 स्टूडेंट्स को कॉल आ सकती है इंटरव्यू की, और फीमेल साइड पे 75 स्टूडेंट्स को जो है वो 75 कैंडिडेट्स को कॉल आ सकती है कि आप इंटरव्यू के लिए हैं 15 सीट्स के अगेंस्ट जो है, तो वो टॉप 75 या टॉप 150 स्टूडेंट्स होंगे। तो जो रिटर्न में अच्छा स्कोर करेंगे वही वहाँ पे जा सकते हैं। तो अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, उसके लिए जो है वो क्या बातें आपके पास होनी चाहिए, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अभी 2012, 2015 और 2017 लेक्चरर और APs के हवाले से मैं जो भी पेपर्स हुए, एग्ज़ाम हुए रिटन PPSC के कॉमर्स सब्जेक्ट के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो आप लोगों को समझ आएगी कि पेपर्स क्या आ सकता है, क्या आता है, क्या आया है इन 2-3 दफ़ा में, तो आप लोग जो हैं वो उस हिसाब से फिर अपने आप को तैयार कर सकेंगे कि आपने क्या जो है वो चीज़ें जहन में रखनी हैं। अभी आपने ऐड पढ़ी होगी, वीडियो भी इसकी अपलोड की है चैनल के ऊपर, उसमें ये बताया है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक्स मार्क्स कितने होने हैं,
आपके रिटर्न के मार्क्स कितने होने हैं और इंटरव्यू के मार्क्स कितने होने हैं, वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको समझ आए कि सिलेक्शन होती कैसे है और आपको कहाँ कहाँ कितना कितना मार्जिन कितना कितना स्कोर करना है। एकेडमिक्स तो वो आपके हाथ से निकल गई हुई हैं, वो तो आप कर चुके हैं, डिग्रीज ले चुके हैं। अब दो बातें हैं आपके पास, रिटर्न, पहला रिटर्न है, रिटर्न अच्छा होगा तो इंटरव्यू की कॉल आएगी, लास्ट इंटरव्यू है। फिर अभी मैं आपको रिटर्न की प्रिपरेशन के हवाले से गाइड करूँगा इस वीडियो में, फिर उसके बाद हम जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, उस पर नेक्स्ट वीडियो होगी। और फिर इंशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू के हवाले से भी आपको एक दो वीडियोस बना के देंगे ताकि आपको समझ आए कि आपने इस सारे प्रोसेस से गुजरना कैसे है। अभी जो ऐड पढ़ी है आपने, उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का 80% होगा और जनरल नॉलेज जो है वो 20% होगा, वेरियस जो है वो फील्ड्स का नॉलेज जो है वो 20% जो है वो इस तरह की एवरीडे बातें होंगी रोज़मर्रा की। अच्छा, अब सब्जेक्ट जो है और ये सारा पेपर, इसके हवाले से एक तो शॉर्टकट है। अब वो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कैसे है कि आपको मार्केट में टेस्ट प्रेपरेशन गाइड्स मिल रही हैं, डोगर्स वालों की गाइड मिल गई जी, कारवा वालों की मिल गई जी, ये यूनिक वालों की मिल गई जी, फलाने टमकाने डिफरेंट लेबल्स से जो है वो लोग अमल बाबा बंगाली तावीज़ लिए बैठे हैं कि आप लोगों को जो है वो गाइड करना वो चाह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आप इन पेपर्स की तैयारी कर सकते हो। इसमें ये शॉर्टकट है। अब जिन लोगों ने तो किताबों को हाथ नहीं लगाया हुआ, सुन लें ये बातें सारी जो है वो खुली, आप एक जो है वो समझ लें, आपको समझ आ जाएगी आप कितने पानी में और क्या करना है आपने। अब अगर तो आप हैं कि किताबों को हाथ ही नहीं लगाया हुआ और अभी भी आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर तो ये शॉर्टकट जो ये है टेस्ट प्रिपरेशन गाइड्स हैं, इनमें कई जो हैं वो उनमें कई जवाब गलत हैं, कई चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर रिसर्चड नहीं हैं और वो कई मिस्टेक्स होंगी उनमें, कई प्रिंटिंग की मिस्टेक्स रह जाती हैं, कई कुछ हो जाता है। बहरहाल उन लोगों ने भी एफर्ट की हुई है, लेकिन ये जेहन में रखें कि ये जो टेस्ट प्रिपरेशन गाइड्स हैं ये आप लोगों का एक शॉर्टकट है, ये कोई लाजम नहीं है कि सारा पेपर उनमें से बनना है। और ये जो है वो जितने उन्होंने कोई एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स को उस हद तक कवर नहीं करते। और फिर ये बात है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो वो एक तरह से एक एंगल से बात पूछी उसको आपने याद कर लिया, किसी दूसरे एंगल से बात पूछ ली उन्होंने तो क्या करेंगे। बहरहाल इसके बावजूद जो है वो आप कोई ना कोई गाइड अच्छे जो है वो किसी पब्लिशर की वो देख के ले सकते हैं, मार्केट को फेर के कि कौन सी जो है वो बेहतर चल रही है। लेकिन उसमें जो है वो मैं ये बता दूं आपको कि उसमें ख़तरा है, उसमें जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये एक जुआ है जो आप खेलेंगे कि आप सिर्फ इसके ऊपर हैं। ये तो सिर्फ इस तरह से ज़रूर हो सकता है कि आप ये सिर्फ इसलिए ज़रा अपने जेहन में रखें कि अच्छा इस तरह के कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई जनरल नॉलेज के हवाले से, कोई दूसरे वाले से, आप जो सब्जेक्ट्स के हवाले से या डिफरेंट, वो आपको समझ आए कि अच्छा इस तरह से हो सकता है। बाकी ये है जो लॉन्ग रूट है, जो असल रूट है और जो जो है वो किताबें में, वो फिर आपको ज़रा रिविज़िट करा दूँ। कई लोगों ने आईकॉम किया हुआ तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और बैंकिंग, असूले तिजारत और असूले बैंकारी की किताब, काजी शहजाद एहतशाम की किताब, बहुत अच्छी किताब। इसके अलावा अगर आपने कोई भी और पढ़ी हुई है ठीक है वो आपके पास होगी, लेकिन इस वक्त उसका कोई ना कोई लेटेस्ट एडिशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े पुराने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनके पास बड़ी पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो उनमें बहुत सारा कुछ बदलाव आ चुका हुआ है, चेंज आ चुकी हुई है, तो उसको भी देखना है। तो अलबत्ता इन किताबों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन बुक्स के ऊपर, ये हैं कोर्स बुक्स और इनमें गलतियों के चांसेस उस तरह से नहीं हैं। और यहाँ ये है कि यहाँ आपको एमसीक्यूज का एक अच्छा खासा वो ट्रेजर मिल सकता है कि आप किताब पढ़ें, उसको गो थ्रू करें और जल्दी जल्दी से दिन पढ़ें। अभी 8 तारीख तक अप्लाई करने का है, 8-10 दिन मिनिमम तो चले आगे मिल जाएंगे, 20 दिन महीना है समझ लें। तो काम को डिवाइड करें, सुबह से शाम तक बैठें और पढ़ें और तैयारी करें। आपने जो है वो नौकरी करनी है, आपने उसके लिए अपने आप को खपाएं, टाइम दें, नोट्स बनाएं, रजिस्टर्स बनाएं, खोलें, पॉइंट्स नोट करें, समरीज बनाएं। फिर अकाउंटिंग सोहेल अफजल की वो इंटर लेवल के ऊपर वो बेसिक बेसिक उसमें से काम है, उसको एक नज़र गो थ्रू कर लिया जाए। फिर बीकॉम में पार्ट वन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये खालिद महमूद चीमा की किताब, छोटी सी किताब बड़ी ज़बरदस्त, मनी बैंकिंग फाइनेंस काजी शहजाद एहतशाम की किताब, ये
इनके अलावा जो भी आपके पास है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोई लेटेस्ट एडिशन कोई ढूंढने की कोशिश करें ताकि कोई चेंजेस आ गई हों तो वो आप कर लें। टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे जितने भी, चाहे वो कैश बुक है, BRS है, जर्नल है, लेजर है, बैलेंस क्या होता है, बढ़ना कैसे, डेबिट क्रेडिट, वो सारा कुछ ही, यानी उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पॉइंट्स आ सकते हैं। अच्छा, एडवांस्ड फाइनेंशियल की MA गनी की किताब पढ़ी हुई है, सोहेल अफजल की पढ़ी हुई है आपने, कॉस्ट अकाउंटिंग है सोहेल अफजल की, बिजनेस लॉ खालिद महमूद चीमा की किताब, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बिजनेस टैक्सेशन, ये तो हर सूरत लेटेस्ट एडिशन चाहिए, और मौज़म मुगल की किताब, और फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की किताब जो है वो उसमें से ज़रूरी हैं। अच्छा, ऑडिटिंग मोहम्मद इरशाद की किताब या खादम हुसैन की, या BCRW की किताब, बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग, शकील अमजद इमरान हाशमी की जो किताब है, तो इनमें बड़े शॉर्ट जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन किताबों को, ये मैं बता रहा हूँ ज़रा आपके दिमाग में आ जाएं, तो ये बुक्स मैंने ऑथर्स भी मेंशन किए हैं, अगर इनको पढ़ा जाए थोड़ा थोड़े दिन जो है वो टाइम दिया जाए और साथ साथ मेन मेन बातों को, मेन मेन पॉइंट्स को देखा जाए, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, उनमें चेंजेस कैसे होती हैं, कैसे करनी है, स्टैचुटरी मीटिंग, वो दूसरी जो मीटिंग्स ऑफ कंपनी है, एनुअल जनरल मीटिंग, वे जो है वो, उसके बाद ऑडिटिंग में पॉइंट्स जो हैं सारे, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, यानी इस तरह की बातें जो हैं वो ज़रा रिवाइज़ की जाएं। आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आप लोगों ने पेपर्स दिए हुए हैं, पास किया हुआ है, मास्टर्स कर चुके हो, तो एक्सटेंसिव रीडिंग करो, इन किताबों को गो थ्रू करो, इनको पढ़ो, ताकि आप लोगों की टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सके। अब ये जो चीज़ें की होंगी, जब आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू किया होगा, कुछ समरीज बनाई होंगी, तो आपके आपको जिस तरह से मर्जी पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट्स बंदे के ठीक हो उसको, चाहे कोई बंदा लॉन्ग पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, उसे कोई MCQ पूछ ले, उसे ट्रू फॉल्स पूछ ले, फिल इन दी ब्लैंक पूछ ले, भाई आपको क्या है, आपको पता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सारा कुछ आ जाएगा। चंद एक चीज़ों को रटा लगा के चले जाएंगे तो फिर आप जुआ खेलेंगे, ये ज़रा इस तरह से अगर गो थ्रू करेंगे चीज़ों को तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर सकेंगे। मास्टर्स लेवल के सब्जेक्ट्स को देखें, मैंने भी आपको बताना है कि 2012 का टेस्ट कैसा आया था, 15 का और 17 का, इसलिए वीडियो में जो है वो साथ साथ रहना है मेरे, बात समझनी है सारी। अब MCOM के सब्जेक्ट्स देखें जो मिनिमम आपको देखने चाहिए, जिनमें से बातें वो पूछता ही पूछता है, ये वो आम सब्जेक्ट्स हैं, जनरल से सब्जेक्ट्स हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स के ये अच्छे तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये सब्जेक्ट है। अच्छा, इसकी किताबें ये तीनों स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक्स अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ी होंगी, ये तीनों ही तीनों उसकी, और बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, उनको गो थ्रू करें, उनको पढ़ें, मेन मेन बातों को आप उसमें से जो है वो चीज़ों को देखें, थेरीज को देखें, वो थेरीज किन्होंने पेश की वो देखें, ठीक है, पॉइंट्स कितने कितने थे, कुछ जो है वो जैसे मसलन मैनेजर ही है तो मैनेजर की जो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर की एग्जांपल्स पूछ ले वो, या वो मिडिल मैनेजर की एग्जांपल्स पूछ ले, या जो है वो कोई डेजिग्नेशन दे के पूछ ले, स्किल्स कौन सी चाहिए मैनेजर के लिए, वो कोई स्किल बताए, ये कंसेप्चुअल है, ये टेक्निकल है, ये इस इंटरपर्सनल है, कोई इस तरह की बातें पूछ ले, यानी ये चीज़ें जो है वो पेपर्स में पूछता है। मार्केटिंग के रेलेवेंट फिलिप कॉटलर की बुक अक्सर ने ये पढ़ी होती है, तो चाहे उसकी कौन सी भी स्पेशलाइजेशन हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कॉटलर की किताब जो है, या जे बी स्टैंटन की पढ़ी है अगर वो, तो कोई भी बुक पढ़ी है आपने लेकिन आपके पास वो पढ़ी होगी उसको ज़रूर देखें। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वैन ऑन की किताब, या जो है वो कोई और हो आपके पास पढ़ी हुई तो वो भी चलेगी, गिटमैन की है वो पढ़ी है आपने, उससे कोई पढ़ा था तो उसको देख लें। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई बुक, कॉरपोरेट फाइनेंस की, इंटरनेशनल फाइनेंस की, कोई ना कोई टर्म बीच में आती, इंटरनेशनल बिजनेस, और फिर इकोनॉमिक्स के वाले से मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की कोई किताब होगी, वो अगर कोई कोर्स पढ़ा है आपने तो इनमें से चीज़ें ज़रूर वो पूछता है, यानी इनमें से भी कुछ ना कुछ आता है, इनको भी गो थ्रू करना पड़ेगा। ये है सारा कुछ, यानी अगर ये तो इतना कुछ जो है वो इनको जितना मैक्सिमम आप देख सकते हैं देखें, उसकी वजह है उस, ये कोई एक आद से नहीं आना, उसने कुछ बातें इसमें से चार MCQ एक सब्जेक्ट के, 5 एक के, 6 एक के, 7 एक के, बाद में होनी है नेगेटिव मार्किंग। तो होता ये है कि अगर आपके 5-7 सब्जेक्ट तैयार थे, 3-4 नहीं थे, तो बात तो वहीं पर आ गई,
आपने कुछ गलत कर दिए कुछ सही कर दिए तो नंबर आपके जो है वो नीचे आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो इस वजह से जो है वो ये जेन में रखें कि आपको अच्छे तरीके से ज़रा चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये मिनिमम है कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यानी और भी कुछ हो सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स ये देखें ज़रा, फंक्शनल इंग्लिश ये भी होनी चाहिए तैयार आपकी जो बी कॉम में पढ़ाई जाती है। या ये अच्छा एक और बात है, ये तो मैंने आई कॉम बी कॉम और एम कॉम एम बी ए के हवाले से, ये एम कॉम लिखा है एम बी ए ये पढ़े होंगे, एम बी ए फाइनेंस वाले भी तो एलिजिबल है ना। वो वीडियो बनाई है आपने, देखी होगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अच्छा अब देखें कि अगर आप बी कॉम ऑनर्स बी बी ए ऑनर्स हैं फिर भी आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने को। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं या बी कॉम और एम कॉम में ज़रा अलग अलग किए हैं, फिर ये मिक्स ही आपने बी कॉम ऑनर्स वगैरह में बी बी ए ऑनर्स में पढ़े होंगे। तो ये यानी बी कॉम एम कॉम सेग्रीगेट कर लें या बी कॉम ऑनर्स बी बी ए ऑनर्स वगैरह में कर लें आपने ये सब्जेक्ट्स फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग वालों ने, यानी ये वो मिनिमम चीज़ें हैं जो पढ़ी हैं। तो ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी हैं, ये आपने ज़रा जेहन में लानी है। फिर ये वाली चीज़ें ये आपने जो है वो को माइनर सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे, बिजनेस मैथ बिजनेस स्टैट, तो वो उसके हवाले से भी पूछता है, वो अरिथमेटिक मीन और प्रोबेबिलिटी और वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कोई ना कोई बीच में उसमें बात आ जानी है, मैट्रिसेस की आ सकती है उसमें, सीक्वेंसेस एंड सीरीज की आ सकती है, कोई इक्वेशन के हवाले से बात बिजनेस मैथ में परसेंटेज प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ पूछी जा सकती है, तो वो देखनी है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कोई भी आपने पढ़ा हो जो बीकॉम में या बीएस ऑनर्स वगैरह के जो इनिशियल सेमेस्टर्स हैं वहाँ पे, तो उसमें से उसने पूछना है, वो इंडिविजुअल का बिहेवियर पूछ सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर पूछ सकता है, वो जो है वो कोई लॉज ऑफ रिटर्न के वाले से बात पूछ सकता है, वो डेरिवेटिव्स वगैरह जो किए होते हैं आपने उनमें से कोई बात पूछ सकता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो उनमें से बातें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह कुछ रीसेंट आपको आने चाहिए। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो जाए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो जाए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, कंप्यूटर के वाले से भी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। ये वो मेन बातें हैं, मेन जो चीज़ें हैं जो आपको अब समझ आनी चाहिए कि एक तो ये है कि आप ये आप ले ज़रूर आएँ, लेकिन सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना। आपको मैंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं, सब बातें बता दी हैं, आपने इनको शुरू हो जाएं, नहीं अगर पढ़ रहे थे तो आज से ही शुरू हो जाएं, किताबें निकालें अपनी पढ़ें, और जो कोई आपके पास रजिस्टर्ड हैं, जो कोई आपके पास जो है वो बुक्स पुरानी पढ़ी हुई हैं निकालें और पढ़ना शुरू करें, अच्छी तरह से जो है वो तैयारी शुरू करें। ये वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए। अब मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ 2012, 15 और 17 के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको सुने तवज्जो से, समझने की कोशिश करें और सोचें कि फिर पेपर किस तरह से वो आ कैसे सकता है, पूछा क्या क्या गया और आप कितना की तैयार हो और कहाँ वो एरियाज है जहाँ पर आपको काम करना है। अब आप लोग 2012, 15 और 17 लेक्चर और AP के जो टेस्ट हुए उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछा है। 2012 का जो पेपर था उसमें जनरल नॉलेज नहीं होता था तब, तो सिंपल जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से 100% था। ज़रा उसमें देखें, उसमें कोई 10% या उससे ज़्यादा भी कोई 20% हो सकता है इंटर के वाले से बातें आई थी, बैंकिंग का भी आया, असूल तजारत की कुछ बातें भी उसने पूछी और बिल्कुल बेसिक लेवल की अकाउंटिंग भी पूछी उसने। बी कॉम में उसने जो टच किए वो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे। अब कॉमर्स के सब्जेक्ट्स बी कॉम में ये कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग I2B MBF और पार्ट सेकंड में एडवांस्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टैक्स ऑडिट बिजनेस लॉ, सिर्फ इन जो है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर आ, और कोई 20% उसने मास्टर्स की अकाउंटिंग की ज़्यादा थी, फाइनेंस की कोई थोड़ी बहुत ही बातें थी और उसने ये को मास्टर्स लेवल की अकाउंटिंग के वाले से चीज़ें टच की। ये 2012 का टेस्ट था लेक्चरशिप का, इसे मैंने टॉप किया था, 90 मिनट्स हैं इसकी टाइमिंग ना, तो मैंने 45 मिनट में ये सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और 96 MCQs ऐसे थे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने साथ साथ पढ़ते पढ़ते टिक कर लिए थे, 4 MCQs थे जिनके बारे में मैंने सोचा था कि अच्छा चलो इनको मैं दोबारा देख लेता हूँ ज़रा और फिर इनको सोच के मैं लगाता हूँ, लेकिन प्रेपरेशन के लिए कोई गाइड कोई कुछ नहीं था, तो आई वॉज जस्ट टीचिंग एंड टीचिंग एंड टीचिंग एंड आई वेंट ऑन टू टेक दी एग्ज़ाम्स। अब 2015
लेक्चरर का जो टेस्ट हुआ उसमें फिर उसने क्या किया, उसमें जनरल नॉलेज भी आ गया था 20 नंबर का, वो एक अलहदा है। सब्जेक्ट के वाले से जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे वो भी 10% एंटर के रखे उसने, लेकिन बीकॉम में उसने जो है वो सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए। यानी 2015 में जो लेक्चरशिप का टेस्ट हुआ उसमें उसने स्टैट भी पूछी, उसने फंक्शनल इंग्लिश भी पूछी, उसमें कंप्यूटर भी पूछा, मैथ भी पूछा, उसने BCERW में से भी पूछा, इकोनॉमिक्स भी पूछी, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पूछने शुरू कर दिए 2015 के लेक्चरर के टेस्ट में, तमाम सब्जेक्ट्स थे। और मास्टर लेवल के सब्जेक्ट्स भी वो जो है मेन मेन जो आपको बताए हैं मैंने, उनके ऊपर उसने को थोड़े थोड़े उसमें क्वेश्चंस पूछे। कोई सेट डिसाइडेड पैटर्न या क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि ये पेपर है और ये पांच सवाल यहाँ से आने, पांच यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात कहाँ से, ये उसने कैसे तोड़ा, 2015 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट था सारा टेस्ट ही अकाउंटिंग पे रख दिया उसने, यानी जो जनरल नॉलेज था उसमें बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो फाइनेंशियल के, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट के, और थोड़ी एडवांस लेवल की, वो ACMA लेवल की, Stage 3-4 लेवल की जो है वो अकाउंटिंग थी। और बीच में उस मास्टर लेवल में हायर बुक्स जो हैं वो मैथ्स यूजरे हो गया, इसमें से बहुत सारी बातें थी, या कॉलन ड्रूरी की किताब पढ़ी है, या आपने जो है वो गैरिसन नोरीन की पढ़ी है, कोई भी उस लेवल की किताब जो है वो बातें उसने उस टेस्ट में डाली। और कोई थेरी नहीं, कोई इंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारा अकाउंटिंग के ऊपर टेस्ट हो गया 100 नंबर का। तो आपके जहन में कोई ये बात जो है वो जहन से निकाल दें कि जी मैंने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई है, मेरी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मुझे थेरी आती है, या आप कहें जी मैंने सिर्फ अकाउंटिंग पढ़नी है, मैंने थेरी नहीं पढ़नी, मैंने आईकॉम नहीं किया हुआ, आईकॉम की बात मेरे जहन में ना हो, मुझे सिर्फ बैचलर्स का आता है, भाई आपको चीज़ों को टच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, कोई पैटर्न नहीं है कि क्या होना है, ये बात जो है वो यहाँ से क्लियर कर लें। ये टेस्ट 2017 जो लेक्चरर का टेस्ट था उसी तरह से कुछ बातें इंटर की, बीकॉम सारे सब्जेक्ट्स, मास्टर्स के वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट, मार्केटिंग और थोड़ी बहुत फाइनेंस की बातें उसी तरह से 15 के टेस्ट की तरह ही, और जनरल नॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट था 2017 का उसमें ये था कि उसमें मास्टर्स के सब्जेक्ट्स थे ज़्यादा, ये ज़्यादा थे, और ये बाकी चीज़ें जो है वो बहुत माइनर थी, वो कोई 10%, बाकी सारा उसने कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, यानी इस तरह की बातें फाइनेंस की, इंटरनेशनल फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, ये बातें पूछी। तो ये आप लोगों के लिए गाइड है, आपको समझ होनी चाहिए कि पेपर्स 12, 15, 17 तीन बैच इस तरह से गुजरे हैं। अब ये सिचुएशन आपके सामने, आप यहाँ से देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। मेरे से कई पूछते हैं सर हम क्या करें, देखें मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, मैंने आपको सब्जेक्ट्स की सिचुएशन बता दी है, मैंने आपको पेपर्स की सिचुएशन बता दी है, यू नो बेटर, आप खुद को जानते हैं, आपको पता है कि आप इस वक्त कितने पानी में, कितना आपने मास्टर लेवल में मेहनत किया, कितना आपने बीकॉम में मेहनत किया, कितना आईकॉम में मेहनत किया, आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और कैसे आप जो है वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट आपके सामने जैसे हुए, फिर जनरल नॉलेज के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि जनरल नॉलेज के लिए क्या करें। अब देखें पाकिस्तान के हवाले से बातें पूछेगा, वो फ्रीडम मूवमेंट से हो जाएं, वो जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त हो जाएं, कोई जो है वो वज़ीरे ख़ारजा कौन है, इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, पिछला कौन था, या जो है वो ये डैम कहाँ पर है, ये किला कहाँ पर है, वो दरिया कहाँ पर है, कोई इस तरह की जो है वो उसकी लंबाई कितनी है, पाकिस्तान के जो है वो लाइंस जो हैं बाउंड्री की, वो उस हवाले से कोई पूछ ले, सरहद के हवाले से, वो फलाने मुल्क के साथ जो है वो जो लाइन है वो क्या है, CPEC के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के हवाले से बातें हो सकती हैं, धमाके जो है वो बैरूत में, लबनान में किस तारीख को हुए, ठीक है, कोई जो है वो ये फलाना विजिट कब हुआ, कोई इवेंट जो रिसेंट हो रहे हैं इनको नोट करें, ये आप लिखते जाएं जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो कौन सा मैगज़ीन है, ये जो जहाँ उसने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो 500 जो है बासर शख्सियात उसमें पहले नंबर पे रखा है, ऐसे कोई और चीज़ें, कोई इन्वेंशन, कोई वैक्सीन, कोई कुछ हुआ है, COVID-19 के वाले से बातें पूछी जा सकती हैं, वो कौन से मुल्क में ज़्यादा रहे हैं केसेस, कहाँ रिकवरी ज़्यादा हुई है, ठीक है, यानी इस तरह के इसके वाले से बातें वो पूछ सकता है। UN यूनाइटेड नेशंस के वाले से,
यूनाइटेड नेशंस क्या है, अक़वामे मुत्तहिदा का क्या इदारा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी जो है वो ज़ैली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके वाले से पूछ सकता है, स्पोर्ट्स के वाले से, ओलंपिक्स पिछले कहाँ पे हुए हैं, कोई कैंसिल हुए हैं तो कहाँ पे हुए हैं, अगले कहाँ होने हैं, कोई जो है वो कोई फुटबॉल के वो किसने जीते हैं, कोई पाकिस्तान के वाले से, ये विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, हॉकी का कप्तान कौन है, T20 का कप्तान कौन है, वो यानी इस तरह की टीम्स के वाले से बातें पूछी जा सकती हैं आपसे, साइंस के वाले से कुछ बातें जो है वो पूछी जा सकती हैं, कोई मैथ का क्वेश्चन हो सकता है, कोई ज़रबुल मिसल हो सकती है, उर्दू की जनरल नॉलेज के को आप कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते हैं कि जी ये फलानी चीज़ पूछेगा, और भाई इसमें ये तो बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन वो 20 नंबर है। मेन बात है कि सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, इसको भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ देखते जाएं, कुछ अखबार से या खबरें देख ली, कुछ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को देख लिया, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे साथ साथ नोट करें, प्रेपरेशन करें। अब ये है सिचुएशन जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें गाइड कर दें, ये मैंने आपको ओवरऑल प्रेपरेशन के वाले से गाइड कर दिया है। हाँ, अब आती है बात अगली, आपको किसी सब्जेक्ट में मसला है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के वाले से कोई इशू है, आप चाहते हैं कि उस वाले से कोई गाइडेंस मांगना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की कहेंगे, आप मुझे कमेंट्स में अपने सवाल बताएं, आप मुझे कमेंट्स में पूछें, आप किसी सब्जेक्ट के वाले से पूछें, मैं आपको उसके वाले से गाइड करने को तैयार हूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आई विश यू ऑल गुड लक जो भी इस दफ़ा अपीयर हो रहे हैं लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में, और मुझे उम्मीद है जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये यकीनन आपके काम आएंगी, और कोई भी बात होगी आप मुझे पूछेंगे, मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो ये है कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, उसके वाले से मैं आपको गाइड करूंगा। ये लेक्चर अगर आपको लगा है, आपका फ़ायदा कर रहा है, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना है, इस पर अपने कमेंट्स देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।